अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के छठे दिन धरना स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चलित ब्लड बैंक के माध्यम से महिला पुरुष कर्मियों ने 100 से अधिक स्वेच्छा से रक्त दिया। CMHO डॉक्टर चौहान ने बताया कि हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर वार्ड जांचें संविदा कर्मचारी करते हैं। उन्होंने रक्तदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे एनीमिक मरीजों और दुर्घटनाओं में घायलों को आसानी से रक्त मिल सकेगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या है, जिले के करीब 800 कर्मचारी जो है संविदा है वो हड़ताल पे हैं, तो हमारी क्या स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल प्रभावित हुई है। और इनका जो प्रमुख मांग है कि नियमित कर्मचारी के साथ हमारी भी हमको भी नियमित किया जाए, तो इस वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं। आज छठा दिन है, तो सही बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं जिले में बहुत प्रभावित हुई है इनके वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल रेगुलर हमारे काम करते हैं, तो वास्तव में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हुई इससे। मैं डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन। हड़ताल विगत कई दिनों से चल रही, आज छठा दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन हमारी जो नियमितीकरण की वो पूर्ण नहीं करते, जब तक हम अनिश्चित निरंतर आंदोलन जारी रहेंगे। आज ब्लड बैंक का कैंप रखा है, ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करके हम लोग कहीं ना कहीं शासन को एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग आज भी शासन के हित में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड की काफी कमी रहती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं उन्हें ब्लड की बहुत मुश्किल पड़ती है, ब्लड के लेके वो बहुत परेशान होते हैं, और ब्लड बैंक में भी ब्लड की काफी कमी है, तो उसको लेके हम लोग कम से कम 100 यूनिट से ऊपर ब्लड डोनेट करेंगे आज। और सबसे मांग क्या है, नियमितीकरण एक ही मांग है हम लोगों की। पिछली बार भी आपने हड़ताल की थी जी, निश्चित रूप से कई 2013 से विगत कई बार आंदोलन हो चुके हैं और निरंतर हम शासन तक हमारी बात को रखते हैं, पर शासन हमेशा अनदेखा करता है। इस बार भी हम लोगों ने हमारी मांग रखी है और उम्मीद है इस बार आपको ये क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या लगता है? निश्चित रूप से इस बार शासन हम लोगों की ओर ध्यान देंगे और हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, इतना पूरा विश्वास है। क्या कर्मचारी आज जिले में 878 कर्मचारी जो संपूर्ण समस्त कर्मचारी हड़ताल पर, व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई है जी। निश्चित रूप से हर फेरी में मरीज काफी परेशान हो रहे हैं, कई तरह से वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, मीडिया में आ भी रहे हैं, कई चीजें भी हो रही है। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ठप पड़ी है। आज भी SNCU, मैटरनिटी जैसे कई ऐसे गंभीर विभाग हैं, वार्ड हैं, जहां पर बहुत जरूरत है स्टाफ की, पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। रुपेश गुप्ता जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।